गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रीकिंग फाइव। तो शुरुआत करते हैं आज जिस नए ब्लॉग की। तो आज का दिन है संडे और मन किया कि कुछ बाहर चलते हैं कहीं कुछ खाने पीने। तो टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं गाइस? हाँ लग गया होगा टाइटल से। आप बताओ ना आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा हम जा रहे हैं येलो हाउस रोबोट रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नाम है। रोबोट से मिलने तो हम खाना खाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें रोबोट मिलेंगे और वो हमें खाना सर्व करेंगे। तो जा रहे हैं, थोड़ा एक्साइटेड है आज हम क्योंकि मजा आएगा वहाँ पे। देखेंगे रोबोट्स के यार मतलब प्रॉपर रोबोट्स हैं वहाँ पे। प्रॉपर रोबोट्स हैं और ऑर्डर भी हमको इंग्लिश में करना पड़ेगा उनसे बात करके। हिंदी नहीं समझते क्या? हिंदी नहीं पल्ले पड़ती उन्हें। मैं सोच रहा हूँ संस्कृत के अंदर बात करूँ उनसे। अंग्रेज रोबोट्स पढ़ती पढ़ता पढ़ती कर दूँ क्या बोलते हैं? What is that? त्रिवचन वचन पता नहीं। Whatever. So guys हम लोग जा रहे हैं रोबर्स केव। रोबर्स केव तो हुआ है देहरादून में। रोबोट कैफे। रोबोट का नाम ही रोबोट कैफे नहीं कुछ ऐसा है भाई। येलो हाउस रोबो कैफे है शायद। मतलब जो भी कैफे तो है जाने को पता लग ही जाएगा आपको। हाँ एक्सप्लोर करेंगे चल के वहाँ पे देखते हैं। खाना टेस्टी होना चाहिए। रोबोट्स आए ना आए बाहर में जाए खाना अच्छा होना चाहिए। और हमारे साथ आज राहुल जी नहीं है। हाँ फॉर सम रीजन एक्चुअली हुआ क्या वो बिल्कुल सेट था रेडी था लेकिन ना मेरी गाड़ी खराब हो गई तो वो वहाँ पे गाड़ी ठीक करवा रहा है। और हम शिवांग आज अपनी गाड़ी निकाली। आपने आज देखा होगा मेरे हाथ में स्टेयरिंग नहीं है। हाँ शिवांग चला रहा है क्योंकि वो अपनी गाड़ी निकाल के लाया। तो आज मैं थोड़ा फ्री रहता हूं कि हम दोनों के पास सेम गाड़ी है भाइयों। हाँ दोनों के पास सेम है इको स्पोर्ट। कुछ भी कर लो पार्किंग की बहुत दिक्कत होती है हमेशा। अब एक जगह मिली है पार्क की यहाँ लगा दूँ। ओके 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 गाड़ी पार्क हो गई है। मेरे को लगता है वो मेरे को छोड़ के नीचे खुद ही घुस गए होंगे और ऑर्डर भी कर चुके होंगे और खा भी दिए होंगे बैठ के अभी तक। मैं जानता हूँ उन्हें। मैं तो गलत सोच रहा था मुझे लगा था दोनों चले गए होंगे लेकिन ये बाहर ही मेरा वेट कर रहे थे यार। भाई हम ढूंढे जा रहे हैं भाई। मैंने बहुत फालतू बोला मुझे लगा अंदर बैठ के खा दे होंगे दोनों। आप कौन सी सोसाइटी कहाँ दिख रही है? लो घर लेने की बातें कर रहे हैं। अभी लेने क्या पहले खा लेते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. जहाँ सबसे अच्छी लाइट आई थी हमने वहीं की सीट ली है। और सबसे अच्छी लाइट यहीं आ रही है भाई। ये कि वो हाँ वो लागू बट वहाँ तीन एक साथ नहीं बैठ पाएंगे ना यहाँ पे। हाँ ये बेटर है टेबल मिल चुकी है बैठते हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं नोएडा का। एक्चुअली दिल्ली में भी नहीं है ये अभी तक। सो दिल्ली एनसीआर का फर्स्ट रोबोटिक कैफे है एंड इसकी जो फ्रेंचाइजी है लाइक जो मेन ब्रांच है हेड जो है इसका वो है जयपुर में। तो इससे फ्रेंचाइजी फ्रॉम जयपुर होगी। तो पूरा राजस्थान टच भी दिया है इन्होंने काफ़ी मतलब अलग अलग कॉर्नर्स के नाम से ही देखे सारे। अब खाना देखते हैं खाना कैसा होगा। तो बहुत तेज भूख लग रही है आप चेकआउट करते हैं मेन्यू। मेन्यू में क्या है भाई? मुझे ना कुछ फुलफिलिंग खाना है। मुझे भूख लग रही है बहुत तेज भाई। सुबह आलू बड़ी खाए थे हमने तो फुलफिलिंग ज्यादा हो गया। तो गाइस ये है यहाँ का मेन्यू। यहाँ पे आपको शेक्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल भी है चाइनीज भी है इटालियन भी है मैक्सिकन भी है। बस साउथ इंडियन छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। आपको मेन्यू दिखा रहा हूँ एक बार मेन्यू देख लो। ये चाइनीज़ है
ये मैक्सिकन पिज्जा एंड ऑल, ये है मेन कोर्स, ये रहा आपका पास्ता इटालियन, ये आ गया हमारा इंडियन दाल सब्जी। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ ही मिल रहा है सिर्फ साउथ इंडियन छोड़ के। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेस्ट क्या टेक्नोलॉजी, वो देखो ये रोबोट है अभी हमारे लिए भी खाना लेके आएगा। यहाँ पे दो रोबोट हैं, एक का नाम है रूबी, एक का नाम है डीवा, इनके यहाँ पे लिखा था, मैंने पढ़ लिया। अच्छा रूबी और डीवा, रूबी और डीवा हमारे लिए खाना लेके आएगा। हमारे पास फोन आता है, आई वांट रूबी, नो आई वांट डीवा टू कम, ज्यादा रूबी आएगी क्योंकि वहाँ पे लिखा भी है ना आई लव रूबी, रूबी ज्यादा काम करती है। कुछ ऑर्डर करते हैं जल्दी से, ऐसा होता है ना किसी और के पेट में कुछ जाता है तो अपने लिए भी खाने का मन करता है, मेरा मन करता है मैं सिज़्ज़र खाऊं, पहले मैं कैसेडिलास मंगवाती हूं। चलो भाई चेकआउट करते हैं मेन्यू, कुछ जल्दी ऑर्डर करो, कुछ भूख लग रही है। मेन्यू चेकआउट करते थे, एक चीज मिली है सिज़्ज़लर्स के अंदर रूबी की पसंद, और यहाँ पे नीचे लिखा है आज शेफ स्पेशल, हम नहीं बताएंगे पर है कुछ मस्त। अब देखते हैं कि ये कुछ मस्त खाना खाएंगे गाइस, मस्त गाइस मस्त खाना खा रहे हैं। ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया है, और हमने एक तो मंगवाई है ऑल टाइम फेवरेट स्पेगेटी आगले उल्लू, और सेकंड है हमारा केसेडिलास, वो भी मुझे बहुत पसंद है। थर्ड है हमारा जो हमें नहीं पता क्या है, जो मैं शिवांग आपको दिखा रहा था, वो था हमारी रूबी जी की पसंद, ये रहा। अब ये करियर सिजनर है बट इसमें क्या निकल के आता है हमें नहीं पता, इसे सरप्राइज तो लेट्स सी, अपनी पसंद का तो खाते ही आज रूबी की पसंद का खाते हैं क्या निकलेगा। तो फिर तो रूबी को ही बुलाओ ऑर्डर के लिए, और पीने के लिए भी कुछ चाहिए तो मैं तो कोई तो पीने का देखते हैं, शेक लूंगा मैं, कोई शेक लूंगा मैं भी शेक लूंगा, शायद मैं कोल्ड कॉफी भी ले लूँ, पता नहीं क्या क्या ले लेगी। मैं शेक पीऊँ बेटा, रोबोट से बाय, वहाँ से घूमेगी भाई, अभी घूमेगी मेरा बाकी का खाना तो लेके आ, एक चीज लेके आ रही है बस, एक एक करके स्लो है थोड़ी, है ना, एक एक करके लेके आ रही है। कैसे डील आ गया, अब इसे खा के दिखाते हैं कैसा है। मैं दिखने में तो टेम्पटिंग लग रहा है बहुत, चलो मैं दिखाती हूँ सारे खाने, मैं तुम्हें खा के दिखाती हूँ। भाई ने खा भी लिया, कैसा लगा भाई, कैसा लगा Your order has been delivered. Hello. Here's your fish. Please take it away from my tray and touch my hand and let me get back to work. Okay, baby. Diva लेके आ रही है। आप ले ओलियो। Have a nice meal. ओह, एक चीज लगी। सर्व आप। मिन्नी इसलिए। क्या? अच्छा, Diva। Diva एक ही टेबल पे सर्व नहीं कर रही है, मल्टीपल टेबल्स पे सर्व कर रही है। मुझे लगा वो भी हमारा है। उठा लेते हैं, पता थोड़ी लगा था। ये हमारा आगले ओलियो, आगले ओलियो मैं खाऊंगा। मैं क्या खाऊंगा फिर? हवा 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 आई। रवि भाई मैं पी रहे हैं पीनट बटर शेक, नुपुर पी रही है कोल्ड कॉफी। मोहित क्या हुआ? मैं बाद में देखूंगा, डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना तो फिर मोहित तो भी पियोगे इसके बाद, अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो। तुम यही बोल के लाए थे जो मर्जी खाना, इसका मतलब ये थोड़ी है सब कुछ खाना। आज ये दोनों मुझे पार्टी बुला रहे हैं, मेरी पार्टी हो रही है, मेरी तो वैसे भी पार्टी हो रही है। सैलरी तुम्हारी आई है, तुम दोनों पार्टी ये या नुपुर तुम्हारी तरफ से ट्रीट तो बनती है। मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी गुप्ता पान भंडार पे लेके जाते हैं, गुप्ता बर्गर खिला दे बहुत। हम इसे यहाँ पे ये एग्जॉटिक खाना खिला रहे हैं तो हमें गुप्ता पान भंडार नहीं, इतनी तुम्हारी सैलरी उतना अच्छा खासा आ जाएगा। फूड का पता नहीं, मेन्यू बहुत सेक्सी है भाई, जिम में डाल गाड़ी में ले जाओ, मेन्यू भी गाड़ी में ले जाओ। क्या खाओगे मेन्यू का, मैं बताता हूँ क्या यूज है इसका बताओ। ये देखो ये सारे फाड़ देंगे, लेकिन भाई की हमारी चावल की फोटो लगेंगी अच्छी अच्छी, और हम इसका कैफे अपना जो कैफे हम सोच रहे ना बनाने का उसमें यही बनेगा। स्विगिंग भाई कैफे वो जो हमारा 5 करोड़ 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वही रेस्टोरेंट 6 लाख करोड़ का होगा। क्यों उन पैसे को क्या होगा जो डॉक्टर स्ट्रेंज की प्रमोशन के लिए हमें मिले थे? अरे मार्वल ने दिए थे यार, मार्वल ने दे दिए प्रमोट करने के हमें, इससे तो हमारे 5,000 करोड़
वो निकालेंगे अभी गिने नहीं हमने कितने कपड़े बाहर पड़े हैं। हमारे रिलेटिव जाके कहते हैं तुम्हारा घर इतना मैसी हुआ है, अब क्या करें, उन्हें कैसे बताएं अंदर इतना पैसा है काला धन। वहाँ मैंने कम से कम 1 करोड़ अरब दे दिए उसके जीरो कितने आते ये नहीं पता लेकिन बहुत पैसा दिया था वो फास्ट ट्रक तो हमारे आए थे 2 ट्रक अभी ये टी शर्ट आप तो लगा होगा सेम टी शर्ट पहनी है ऐसी 50 है मेरे पास पैसा इतना समझ नहीं आया खर्चे का तो एक अपना 50 उसमें लेता है क्वांटिटी में। कैसी हो गाइस ये मुझे डॉक्टर सेन ने गिफ्ट की थी राडो दिखाता हूँ राडो घड़ी हो तो राडो गाड़ी हो तो पुराडो ये राडो मुझे डॉक्टर सेन ने दी थी। अच्छा और ये रिंग मुझे डॉक्टर सेन ने ये रिंग देख लो 15,000 करोड़ की है 15,000 करोड़ की जिस कैमरे से व्लॉग बन रहा है वो कैमरा मेरा है 1,00,000 करोड़ का 1,00,000 करोड़ हमारे यहाँ हर चीज़ में करोड़ क्यों लगते हैं पता है भाई करोड़ हटा दो ना यार मैनिफेस्ट काम करता है गाइस अगर आप पूरे दिन करोड़ों की बातें करोगे तो आपको करोड़ों तो मिलेंगे नहीं मैं तो हूँ करोड़पति तुम कितने करोड़ बे ओ करोड़पति पहले तो किसी का पति बन बाद में करोड़ लगाई हो अपने ऊपर मैट्रिमोनियल पे प्रोफाइल बना रहे भैया कल टिंडर पे तो पड़े रहते हैं पूरा दिन इस पे टिंडर अब शादी का टाइम है ना जीवनसाथी.com डाउनलोड कर लिया मैंने। गाइस आपके पास कोई भी सुंदर सुशील लड़की हो तो मेरे भैया के लिए कृपया करके अपना रिश्ता भेजें पैसे वाली होनी चाहिए पकड़ रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या पी रहे हो पीनट बटर शेक कैसा है यम्मी अमेजिंग तुम्हारा ट्राई करो इसका ज्यादा बेटर है थैंक यू। तो गाइस आ रही है रूबी की स्पेशल हियर वी गो तो डीवा लेके आई है रूबी के स्पेशल रूबी की पसंद सेज लो थैंक यू भाई यम्मी लग रहा है बहुत ज्यादा थैंक यू बाय बाय रूबी मेरी बात ही नहीं सुन रही है यार इसको सिर्फ खाना सर्व करने से मतलब है उसके बाद भाई मुंह फेर लेती है यार रूबी बात ही नहीं सुन रही है यार रूबी है अच्छी लग रही है यार बीवी है रूबी है तो मैं दूबी में इंटरेस्ट आ रहा है यार तुम तो यार घर तोड़वाओगे आओ ये खाते हैं गाय डीवा में आंख मार दी है देखो फिर मारेगी आंख ले मुझे मार दिया तो 5 बार मारी कैसे क्या भाई तुम्हारा ये नीचे की प्लेटिंग थी कैसा पति अरे अभी सिखाऊंगा भाई भाई को तू जो लकड़ी खा रहा था यहाँ से कुतरी है मैंने तो गाइस हमने खाना खा लिया और हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं बिल का वेट कर रहे हैं आप बिल कितना बिल आएगा क्या लगता है 1750 तुम दो एक फिगर जो जीत जो सही किया उसके आसपास वो जीतेगा 1750 1800 भाई भाई मैं 1500 से 1600 तू तो हार गई हम दोनों के चांस है ओके 2000 1800 1750 देखते हैं कितने का बिल आता है। ये अवार्ड इन लोगों ने मुझे दिया है जैसे कि मैंने कहा था 1900 से 2000 के बीच का बिल आएगा तो मैं जीतूंगी ग्रैंड टोटल देखियो आप तो मैं जीत चुकी हूँ और पैसे पे करूंगी नहीं ये तभी तो अवार्ड तेको दिया ताकि तू पैसे पे करे200 रुपए बचे मेरे कौन से बचे भाई तेरा हिसाब है मेरे को किताब नहीं रखी थी उसने 200 रुपए रखे हुए मेरे साइज चली तो
गाइस मैंने उससे एक बुक मंगवाई थी 200 रुपए दिए थे उसके, वो आज तक नहीं आई है और रिटर्न ले लिया उसने वापस, रिफंड भी आ गया उसके अकाउंट में, ना मेरा सामान आ रहा है और ना मेरे पैसे आ रहे हैं। उसको प्लीज DM करो कि मेरे पैसे वापस करें प्लीज। गाइस मैं बिल पे कर रहा था तो एक लड़की आई, उसने मुझे बताया कि एक ऐप है फेव FAVE, उससे अगर मैं पेमेंट करूँगा तो मुझे 20% कैशबैक मिलेगा इंस्टेंट। तो मैंने उसके थ्रू पेमेंट किया है तो देखो मुझे ये 50 रुपीज़ कैशबैक मिला है और 382 रुपीज़ मेरे वॉलेट में पड़े हैं फेव के, जो कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं कहीं पर पेमेंट करता हूँ तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो यार ये तो बढ़िया है, मस्त चीज़ है, हर बार मिलता है, मतलब बहुत सारे आउटलेट्स हैं जिनको इसने कवर कर रखा है। ये इतना बढ़िया है कि अब से डेली हम डिनर करने बाहर जाएंगे। सो गाइस हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, हम बाहर निकलने लगे हैं और ये लोग कहाँ गए? एक सेकेंड गाइस, क्या हुआ? चलो चलो, अरे चलो यार, लेट हो रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, चलो चलो, ये देखो क्या कर रहे हैं। अरे यार बाय, मैं जा रही हूँ खुद ही ऑटो करके, रिक्शा करके, बाय। तो गाइस पेट पूजा हो गई है, मस्त खाना वाना खा लिया है और हमें तो बड़ा मजा आया, आयो आपको कोई मजा आया होगा। गाइस यहाँ पे जरूर आना, मस्त मुझे तो जगह लगी है, सारे मतलब ऑलमोस्ट दिल्ली से, अगर हम तो इजली में तो ये दिल्ली से कुछ आधा घंटा लगता है और इनके पास सिर्फ 2 ही रोबोट्स हैं टोटल पूरे रेस्टोरेंट के अंदर। तो हाँ, फुलन खाना भी ठीक ठाक था, अच्छा खाना था और सबसे अच्छी बात रीजनेबल है, ज़्यादा कुछ इतना महंगा नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आओ यहाँ पे, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है नया कुछ अलग सा। और कैसा लगा तुम्हें? मुझे अच्छा लगा और जब हम एक्चुअली गए, जब हम आए ना तब खाली पड़ा हुआ था, हम कुछ आए थे 6 बजे के आसपास, तब तो खाली था। अभी क्योंकि होता है ना डिनर का टाइम शुरू हो गया है तो लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया था, तब भीड़ हो गई थी। तब गाड़ी निकाल रहे हैं, बैठते हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी आ रहा है, वो भी देखना है। तो शिवांग ये रहा, गाड़ी निकाल रहे हैं, जल्दी निकाल लो भाई, चलो बैठो, आ जाओ मैडम जल्दी। चलो मिलते हैं गाइस, बत्ती जल गई थी पेट्रोल की, तो मिल गया पेट्रोल पंप, अब देखते हैं क्या है, भरवाते हैं देखते हैं क्या होता है, पहले देखेगा क्या, इसको भी देखें क्या, देख ले दो दिन। ये कौन सा गाना गा रहे हैं दोनों? ठीक ठीक भाई, हम तो गए थे चंद्रशिला, इन दोनों का बिल्कुल लिरिक्स नहीं आते गाने के, बाहुबली मूवी का गाना है ये, गाने का गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे हैं, दीवाना रसन अशोक के बाना है ऐसे, तो हम तो बहुत ही गंदे थे यार, ये नहीं गाना है, श्रीमाला भैया कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारी कंपनी का प्रमोशन इवेंट चल रहा है, सेक्टर 4 में, अगर टाइम मिले तो। कहाँ पे सर? 104 104। अच्छा मेरिडियन, वही है प्रमोशन, इसमें कुछ मिलेगा ना? हाँ जी सर, दो रातें 3 दिन का हॉलीडे वाउचर मिलेगा, कुछ और मूवी टिकट्स भी फ्री मिलेंगी, कुछ वाउचर भी मिल सकता है। मैं गया हूँ यहाँ पे पहले इस इवेंट में, नहीं चाहिए सर, मिल चुका है हमें हमारे पास, बच्चे को पागल ले लेते ना, दिक्कत क्या थी, दो रातें 3 दिन तुम्हें फ्री मिलती घूमने के लिए, वो तो उससे 5-star होटल में मिलती, जब इनका प्लान खरीदेंगे, नहीं बिना पैकेज के भी विजिट पे फ्री है, सिर्फ जाने के हैं, दे दे बेटा, बुलाओ उसे दोबारा। तो अब घर आ गए हैं, मेरा कुकु बैठा है यहाँ पे, कुकु यहाँ थोड़ा काम चल रहा है, क्या गुजारा है बे? मैं होटल जैसा कमरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। दिखाओ, ये देखो, ओह न्यू बेड शीट, एवरीथिंग न्यू विद ओल्ड मी। ये तो सुबह लेके आई थी, वही है और सारी बेड शीट्स मैं वैसे ही लाई हूँ जैसे होटल में होते हैं ना,
और सब यहाँ ना सब चेंज मिलने वाला है थोड़े टाइम में आपको। फ्रीकिंग फाइव के लिए कर रही हूँ ये सब ताकि वीडियो में एक सुंदर सा अलग कमरा दिखे। एक चीज चेंज होगी यहाँ, क्या है ये लेकर आई पिल्लोज और ये छोटे वाले कुशन्स लेकर आई, बड़ा वाला कम्फर्टर पिल्लो लाई, ये तो है ही अपने पास, ये तो है ही। ये लाई और बेडशीट लाई, ये वही क्विल्ट है जो हमने ड्राई क्लीन पे दिया था, वो ये जो उस दिन लेके आए थे और ब्लॉग में था वही वाला है। वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, हाँ देखा तो देख लो, लग अच्छे थे, अच्छे लग रहे हैं, होटल वाली फील आ रही है, क्योंकि ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन अब जब ये सारा कमरा पेंट हो जाएगा, यहाँ पिक्चर्स लग जाएंगी और वो सब सामान लग जाएगा ना जो मैं चाहती हूँ, उसके बाद कमरे के लुक देखी, और ये सब मैं अपने बर्थडे से पहले पहले कर दूंगी, नया कमरा चकाट कर दूंगी कमरे का। चलो गाइज, इसी के साथ आप भी अपने कमरे को सजाते रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड टेक केयर, बाय।